नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के थाना कोतवाली में रविवार की शाम को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो व फोटो फेसबुक पर डालकर वायरल करने में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट पुलिस के संज्ञान में आया है। इस पोस्ट के माध्यम से चंदन कुमार नामक व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावनाओं को उकसाने का कार्य किया जा रहा था। मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 18/24 के अंतर्गत धारा 295A, 505, 2, 504 IPC व 66D IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट संज्ञान में आया है, जो चंदन कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा धार्मिक भावना को उकसाने की नीयत से पोस्ट किया गया है। इस प्रकरण में थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 18/24 धारा 295A, 505(2), 504 व 66D ITR का कायम किया गया है। शीघ्र ही इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।